अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? सबका ठीक है? आज आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, तो मैं क्या, चलो उठूंगा 9:30 बजे। मैच शुरू होना था तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब, लेकिन उठा नहीं गया। तो अब तकरीबन देखते हैं गूगल पे क्या सीन है। टाइम आपको मैं बताता, चलो टाइम आप देख लें। तकरीबन अब 11 बजने वाले हैं, तो देखते हैं क्या बना। A few moments later. तो गाइस, देखा है कि न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा है, पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है। आपको हालत नजर आ ही रही है? कोई नहीं, मुआ तो के आपको मिलते हैं। few minutes later. तो गाइस, मुआ तो के फ्रेश हो गए हैं और पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं। न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा है। यार ये क्या बैटिंग कर रहे हैं यार, ये पागल है। इनकी बैटिंग देखने से अच्छा मैं अब क्या कहूँ। जिस तरह की न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा है, मेरा तो यही रिस्पॉन्स ही बनता है। और ये यार क्या है यार, ये पाकिस्तानी हर बंदे की फॉर्म ले आते हैं। केन विलियमसन जो पूरा टूर्नामेंट में लंगड़ा रहा है, कभी टुंडा बन गया है, उसने भी भाई जान पाकिस्तान के खिलाफ 50 का रहा भी। और ये क्या बात हुई यार, ये रचिन रविंद्रा की भी 50 हो गया है। हमारे बॉलर को तो ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई सुहाग का काम होता है कि यार टोकन वाली गेमों में टोकन डाल के कूटते नहीं है, वो हिसाब हो गया। बहरहाल हालात बुरे ही लग रहे हैं। मेरे सामने मैच आ रहा है, लेकिन मैं कॉपीराइट की वजह से मैच दिखा नहीं सकता आपको। लेकिन यही है कि सुबह उठ के जाया की है। चले कोई नहीं, कोई उम्मीद मिलती है बताते हैं। A few inches later. तो गाइस, इन्होंने तो अपने आप को मारना रोका नहीं है, लेकिन ये क्या देखना पड़ रहा है यार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। रचिन रविंद्रा और केन विलियमसन दोनों ही सेंचुरी के करीब पहुंच गए यार। ये यार यार भाई, ये क्या, रचिन रविंद्रा तो सेंचुरी कर गया। होए, बहुत मारे हैं, बहुत ठंडा पड़ा पाकिस्तान को, आज अल्लाह ही खैर करे। लेकिन भाई यार, भाई जितना मर्जी आप ये कर ले, मेरे साहब लिखवा ले, केन विलियमसन सेंचुरी नहीं करेगा। और ये क्या है, चाचू को छक्का मारने के लिए निकला। और यार ये और तेरी खैर, और ये पकड़ कैच पकड़ ली, यस। आए 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 मजे, आए 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 हद की क्या सी नहीं है सेंचुरी। ओ यार कुछ और ही कह रहा था, तो आज ये बस बड़ा मजा आ रहा है। ओए इसकी सेंचुरी नहीं हुई, आपको मिलते हैं बाद में। 12 seconds later. तो यार मैं थोड़ी देर के लिए आगे पीछे हो गया था, जिस तरह से कुट रहे थे मेरा दिल ही नहीं गया मैच देखने को। तो अब ये मैं देख रहा हूँ, ये भजन शीनशाह साहब आ रही और कह रहे हैं यार ये ऐस यार ये सैटर से छक्का खा गया यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। ये भाई पाकिस्तान को 400 बन गया, 400-401 बना गए ये। तो गाइस, पाकिस्तान को 402 का टारगेट दे दिया इन्होंने। पता नहीं क्यों आज मुझे लग रहा है कि आज कुदरत का निज़ाम चल जाना है, लग रहा है कि आज कुदरत का निज़ाम चल जाएगा। अभी आपको मिलते हैं पाकिस्तान की, जब बैटिंग आती तब मिलते हैं। और अभी मुझे कोई दोस्त में मिलने आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि संडे को हमारा टूर्नामेंट है, तो उसी की तैयारी में मैं मसरूफ हूँ। तो दोस्तों वगैरह से फाइनल करके टीम, तो आपको टीम ही बताते हैं, और आपको मिलते हैं पाकिस्तान की बैटिंग के दरमियान। 3 days later. तो भाईजान, ये अब्दुल्ला शफी साहब आए हैं और फखर जमान आए हैं। आज भाई फौजी ने बहुत धोना है, जो मर्जी ये कर ले, फौजी ने बड़ा धोना जिन्हें। लेकिन यार धोने का तो धोना कुछ और निकल गया है
अरे ये क्या 600 रुपये आउट भी हो गया पाकिस्तान का पहला। इनको बंद अल्लाह ही हिदायत दे और इनको थोड़ा वो सांस देते हैं। बाबर आ गया, बाबर फखर देखिए क्या करते हैं। 3 weeks later. तो गाइस पाकिस्तान को तो भाई आज बड़ा फेंटा पड़ा। तो फेंटा पड़ने के बाद हमने कहा चलो कोई नहीं मैच में उनको थोड़ा बहुत रिलैक्स करवाते हैं, उसने शायद फखर और बाबर शायद आज कुछ कर दें। तो आज हमारा जो आपको बताया था हमारा टूर्नामेंट है संडे को, तो उसी की तैयारी में हमारे टीम का एक लड़का आया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भजन? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बारे में बताएं आप कौन है? मैं जी अब्दुलरहमान, मेरा नाम है। मैं सफी भाई का दोस्त कह लें, भाई हैं सफी भाई मेरे बड़े, मेरा छोटा भाई। चलो भजन, और क्या लगता है पाकिस्तान आज कर देगा? यार सफी भाई बॉलिंग तो इन्होंने बहुत ख़राब की है, मतलब मुझे इस तरह की उम्मीद थी ना, इस तरह की बॉलिंग नहीं है कर पाए। मैंने तो देखा कि मैच में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी लास्ट ओवर में, मुझे लगा था कि यार मतलब कम कर लेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं कर सकते खाते भी तो स्कोर बनाया 400 बहुत ज्यादा भाई। पाकिस्तान 400 डिफेंड ही नहीं किया, चेस नहीं कर पाया ना आज तक, मसला ये भी है भाई। लेकिन अब कि आज फखर की मैच ये कह रहा हूं डबल सेंचुरी हो जानी है भाई। मेरी बात सुने, फखर फुल फॉर्म में है, कुछ भी हो सकता है। फखर अगर आज फखर चलेगा, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, ये तीन तो बैकबोन है पाकिस्तान टीम के। अगर ये चलेगा आपको मैं बताता जाऊं, अभी मैं जब ऊपर से नीचे आया हूं ना तो हमारे भाई हैं अब्दुल्ला शफीक साहब आउट हो गए हैं। हां अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए हैं, फखरजमान और बाबर लगे हैं। फखरजमान फेंटा तो लगा रहा है, खुआ के क्या बनता है। चले कोई नहीं, आपको मिलते हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह। One eternity later. तो गाइस फखरजमान ने तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक मोर्चों को संभाला हुआ और काफ़ी हैवी किस्म का रगड़ा लगा रहे हैं। अब बीच में एक तो बारिश हुई है तो मैच रुका है, तो DLS में पाकिस्तान 10 स्कोर आ गया था, तभी दोबारा मैच शुरू हुआ है तो उसमें भजन फखरजमान ने फिर धोया और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जाने से फास्टेस्ट सेंचुरी भी बनाई है। फखर भाई आपको लव यू हो गया। 2000 years later. क्या खूब खेले आप। तो भजन हुआ यूँ है कि अभी बारिश दोबारा आ गई है और सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है। जीतेंगे। और पाकिस्तान ये मैच 21 रन आगे था DLS में, जिसकी वजह से ये मैच जीत गया है। तो आपको मैच की डिटेल आपसे भी शेयर करते थोड़ी देर में, तब तक के लिए अलविदा। तो गाइस पाकिस्तान माशाल्लाह जीत गया और आपसे हम यही कहेंगे कि हम अली दुआ करेंगे, संडे को हमारा टूर्नामेंट है, मतलब कि सुबह हमारा टूर्नामेंट, हम आप दुआ करें हम वो टूर्नामेंट जीतें और टूर्नामेंट से मुतल आपके साथ चीज़ें वगैरह शेयर करेंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।